भूत प्रेत आत्माओं का होना हमेशा से लोगों के बीच एक बड़ा सवाल रहा है। बचपन से हमको नानी दादी ने तरह तरह की भूतों की कहानियां सुनाई हैं। फिल्म से लेकर किताबों में, यहाँ तक कि शेक्सपियर ने भी अपने प्ले में भूतों की बात करी है। कुछ मानते हैं कि भूत होते हैं, वहीं कुछ का ये मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंसान के अंदर का डर होता है। लॉफ्टेड फैक्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल दुनिया में लोगों ने भूतों के अस्तित्व को पूरी तरह नकारा है, पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका ये मानना है कि उन्होंने भूत को देखा है या फिर अपने आसपास किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को महसूस किया है। आज हम आपको ऐसे ही दुनिया के सबसे हॉन्टेड जगहों के बारे में बताएंगे जिनके किस्से सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। नंबर एक, एडिनबर्ग कासल। स्कॉटलैंड का ये खूबसूरत सा दिखने वाला कासल जितना खूबसूरत दिखता है उससे कहीं ज्यादा ये खौफनाक भी है। यहाँ अक्सर लोगों को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि उन्होंने यहाँ एक सिरकटे आदमी को देखा है जो ड्रम्स बजाता है। इन सब बातों के बीच जब कुछ साइंटिस्ट और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की टीम यहाँ साल 2001 में आई तो उन्होंने अपने शोध में इस बात की पुष्टि कर दी कि यहाँ वाकई में भूत है और उन्होंने भी उन भूतों को देखा है। दोस्तों, हमको कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपने भी अपनी जिंदगी में कभी भूत देखे हो तो। नंबर दो, टावर ऑफ लंदन। कई सारे अंग्रेजी शासकों का घर रह चुका ये टावर मौजूदा समय में टूरिस्ट के घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है। इस टावर की दीवारें भी यहाँ के इतिहास को बयां करती हैं। दिन भर टूरिस्ट से भरे रहने वाले इस टावर में रात को आत्माओं को देखा जाता है। यहाँ नौकरी करने वाले गार्ड्स कहते हैं कि रात को यहाँ उन्होंने बिना सर की लेडी चैन का भूत देखा है और दो प्रिंसेसेस के भूत को भी देखा है जिन्होंने अपने अंकल रिचर्ड की हत्या कर दी थी। यही वजह है कि यहाँ कई गार्ड्स जो रात में ड्यूटी करते थे वो अब यहाँ से जा चुके हैं और टूरिस्ट को भी यहाँ रात में रुकने की इजाजत नहीं है। नंबर तीन, शनिवार वाड़ा। इस जगह से तो आप सब बखूबी वाकिफ होंगे। बाजीराव मस्तानी मूवी में आप सब ने इसका कई दफा नाम सुना होगा। पुणे में बने पेशवा के घर शनिवार वाड़ा को भी भूतिया माना जाता है। बाजीराव पेशवा के समय से ही इसको अपशगुनी माना जाने लगा था। इतिहास बताता है कि यहाँ नारायण राव पेशवा की हत्या कर दी गई थी जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 13 साल थी, जिसकी सिस्कियां आज भी रात में यहाँ गूंजती हैं क्योंकि नारायण राव पेशवा के काका में पेशवा बनने की इच्छा थी, इसलिए नारायण राव पेशवा को मारने की साजिश बनाई गई। नारायण राव पेशवा अपने काका को बचाने के लिए आखिरी समय तक चिल्लाता रहा पर उसको ये आभास तक नहीं था कि ये सब षड्यंत्र उसको मारने के लिए रचा गया था। नंबर चार, हाई गेट सिमेट्री। लंदन के इस कब्रिस्तान को 1839 में बनाया गया था जहां 53,000 से भी ज्यादा कब्र हैं, जिनमें 1,70,000 से भी ज्यादा लोग दफन हैं। यहां जाने वाले लोगों ने ये बताया है कि यहां कुछ अजीब सी गतिविधियां होती हुई उन्होंने महसूस करी हैं, जैसे अचानक से तापमान में गिरावट आना, ठंडा लगना और फिर मानो वक्त थम सा गया हो। यहां तक तो सब ठीक था पर मामला तब खराब हुआ जब लोगों ने 7 फीट के लंबे आदमी को देखना शुरू किया जिसकी आंखें अंगारे की तरह लाल दिखती थी। उसके बाद यहाँ मौतें भी होने लगी, लेकिन जब यहाँ एक बूढ़ी औरत की डेड बॉडी मिली तो लोग यहाँ आने से और भी ज्यादा डरने लगे। क्या आपने कभी दोस्तों अपने आसपास किसी नेगेटिव एनर्जी को फील किया है? हमें जरूर बताएं, क्या पता आपका एक्सपीरियंस ही हमारी अगली स्टोरी का कंटेंट बन जाए। नंबर पाँच, ओकिगहारा फॉरेस्ट। जापान की एक पौराणिक कथा यानी कि माइथोलॉजी के अनुसार ओकिगहारा के जंगलों में राक्षसों का बसेरा है और ये दुनिया की ऐसी जगह है जहां पर कई लोगों ने आत्महत्या करी है। लोगों का ये भी मानना है कि यहां जो खुदकुशी करते हैं उसके पीछे भूत प्रेत का हाथ होता है। यहां हर साल लगभग 100 लोग अपनी जान लेते हैं। दोस्तों, इस जंगल में इंटरनेट, GPS सिस्टम और कंपास तक कुछ भी यहाँ काम नहीं करते, इसलिए जो लोग इस जंगल में ट्रैकिंग के लिए जाते हैं वो भी यहाँ टेप का इस्तेमाल करते हैं रास्ते को याद रखने के लिए। आज के जमाने में तो समुद्र में भी नेटवर्क मिल जाता है, अब जंगल में नेटवर्क कभी ना चलना शायद ही शैतानी ताकतों के होने का सबूत है। हम तो आपको यही सलाह देंगे दोस्तों कि ऐसी जगहों पर ना ही जाएं तो बेहतर है क्योंकि जीवन से बढ़कर कुछ भी प्यारा नहीं है।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो और उसका कंटेंट? हमको कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।